जी बेटा, कि डेरिवेटिव यूज कहां करते हैं? जब भी हमने किसी स्मॉल चेंज के लिए, कोई स्मॉल चीज किसी और में चेंज देखना है, तो वी यूज द डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे 1 सेकेंड में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकेंड, मेरे बोलते बोलते ही 1 सेकेंड खत्म हो गया। स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल डिस्टेंस, है ना। तो मैं डेरिवेटिव की हेल्प लेती हूँ। जितना रिसर्च वर्क है ना स्पेस का, वो सारा डेरिवेटिव की हेल्प पे ही चलता है बेटा, सारा उसी पे ही चलता है। 1 सेकेंड बेटा, स्मॉल चेंज में जब आपने कोई दूसरी चीज का स्मॉल चेंज देखना है, तो हम डेरिवेटिव की हेल्प लेते हैं। जब हम लिखते हैं ना, ये dy/dx, ये जो d है ना, ये बेसिकली स्मॉल चेंज ही बताता है। स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, किसके विद रिस्पेक्ट टू? जब भी हम डेरिवेटिव देखते हैं, आप फिजिक्स में δy/δt ऐसे भी लिखते हो, वेल लिमिट δt अप्रोचेस जीरो करते हो कि नहीं, है ना। वो टी डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो मतलब वेरी स्मॉल टाइम। हम इस सारे को हम क्या लिख देते हैं, dy/dx। ओके जी, क्लियर हो गया बेटा। तो यहां पर हमें डेरिवेटिव जो है, सबसे पहले तो स्मॉल चेंज के बारे में बताता है, दूसरा हम जितना कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं वहां पर स्लोप के लिए, जितना कंस्ट्रक्शन। आप कई बार सोच सुनते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अगर किसी के घर में कंस्ट्रक्शन हो, वो लेबर को ना लेमैन की लैंग्वेज में बोलते हैं, ढलान इधर दी कर देना, दिन है ना, पानी की ढलान इस साइड पे होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? वो जो हम ढलान पंजाबी में या हिंदी में बोलते हैं ना, बेसिकली वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कर्व के। कर्व ऐसे है तो स्लोप मतलब वो टेंजेंट की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। कभी आपने देखा होगा उन, जब वो वॉल भी खड़े करते हैं ना, उनके पास एक टॉप सा होता है, थ्रेड के साथ बांधा होता है, वो ऐसे उसको लटकाते हैं और वो कोई डायरेक्शन देखते हैं कि वो कैसे है ना, कि वो कहीं टिल्ट तो नहीं हो रहा, वो स्ट्रेट ही है, तो उनको पता चल जाता है ये चीज स्ट्रेट जा रही है। ये सारा डेरिवेटिव के साथ कंसर्न है, ओके और आपने फिजिक्स में ऑलरेडी ये पढ़ा है, क्योंकि आपको इतना मुश्किल नहीं है ये चीज बतानी। dy/dx लिखें या f-x लिखें या y- लिखें, ऑल मींस कि वी आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे मर्जी वो आ सकता है। अब हमारे पास आगे हम क्या करते थे, बच्चों को पहले फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल से ड्राइव करवाते थे कि ये मेथड है। अब वो कोई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। आप चाहो तो आप ड्राइव भी सीख सकते हो कि ये कैसे बना, है ना। वो लिमिट की हेल्प से ही बनता है बेसिकली। जो dy/dx है, हम कैसे निकालते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये df(x) ही बताता है मुझे। जब हमने यूज ही डायरेक्ट फॉर्मूले करने, आप किसी का भी आपने किया है, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव फिजिक्स में किया है ना, एन एक्स की पावर n-1 होता है, वो इसी फॉर्मूले से डिराइव किया, क्योंकि डेरिवेटिव सीखना था, लिमिट करनी थी, इसीलिए हमने लिमिट भी की, समझ आई। बट अब हम डेरिवेशन को ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विद सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। ये याद करना, ये कर लोगे फिजिक्स का आधा काम हो जाएगा आपका, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव का मेरे पास जो है, सबसे पहले अगर वाई मेरे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन जिसको मैं स्मॉल ए भी लिख सकती हूँ, तो बेटा मैं y- लिखू या मैं dy/dx लिखू, दैट इज जीरो, ओके जी, क्लियर। हमेशा कांस्टेंट, अकेला हो, अकेला कांस्टेंट फंक्शन, वैसे भी अकेला बंदा है ना, लड़ाई चल रही है, डेरिवेटिव एक लड़ाई है हमारे लिए, फाइट चल रही है, दूसरी तरफ कितने सारे बंदे हैं, तो मेरे को बताओ वो जीरो के बराबर ही होता है ना। सो दैट राइट, डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट, अकेला, कोई एक्स नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा। सेकेंड,
एक्स पावर एन वाई डैश, अब मैं वाई डैश ही लिखूंगी, मैं डीवाई बाई डी एक्स नहीं लिखूंगी, ओके, दैट इज एन एक्स की पावर एन माइनस, ओके। फॉर एग्जाम्पल, साथ साथ एग्जाम्पल करते जाते हैं ताकि आपको क्लियर हो। अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x, ओके जी। एक चीज में ना बाद में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं अभी साथ साथ बताना चाहती हूँ। अगर मैंने किया y डैश तो ये आया 2x, x है x के साथ ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, इसीलिए साथ कुछ नहीं लगता। जब आगे है x लेकिन डिफ्रेंशिएट t के साथ कर रहे हैं ना, तो आगे कुछ लगता है। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, नहीं प्लस सी नहीं, वो इंटीग्रेशन का काम है। मेरे कहने का मतलब है ना, जैसे मान लो वाई मेरे पास है एक्स टू, और मैं कह रही हूं डी वाई बाय डी टी निकालो, टू एक्स लग गया, डिफ्रेंशिएट हमने टी के साथ करना है, हमने यहां किसके साथ किया, एक्स के साथ, मतलब डी एक्स नीचे लगाया जो, तो ये डी एक्स बाय डी टी साथ लगता है, इसे हम कहते हैं चेन रूल। आगे करवाऊंगी बट मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आगे बच्चों को जब बताती है ना उनको ये बात ही नहीं समझ आती फिर। मतलब एक चीज ये बात मैं समझाना चाहती हूँ, जिस वेरिएबल के साथ कर रहे हैं वही वेरिएबल उस फंक्शन में होना चाहिए। एक्स के साथ कर रहे हैं, एक्स के साथ ही डिफ्रेंशिएट कर, डेरिवेटिव ले रहे हैं तो साथ में कुछ नहीं लगता। क्यों? वो डी एक्स बाय डी एक्स लगाएंगे तो वो कट के क्या बन जाता है, वन ही बन जाता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, बाद में इस पे ज्यादा डिस्कस करेंगे, अभी फॉर्मूला हम लोग जो है। अब देखिए, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स, मैं एग्जांपल ही दे रही हूं अभी जस्ट, इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक्स की पावर माइनस वन। तो डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाय डी एक्स, पावर आगे गई, एक पावर कम हो गई, वी कैन री राइट इट एज दिस। ठीक है जी, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, चलो आगे। अब अच्छा, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो एक्स पावर एन का लगाया ना, इसमें एक चीज देखिए, ये कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल, जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। अगर मेरे पास होता ए पावर बी, इसका डेरिवेटिव, दोनों ही कॉन्स्टेंट है, तो पूरे टर्म क्या हो गए, कॉन्स्टेंट, तो डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो। मतलब इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। अब नेक्स्ट मैं फॉर्मूला अगर आपको करवाऊं तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स का, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स, वेरी गुड, ओके जी। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला, ये एग्जांपल था, इसको एग्जांपल में कोट कर लेना बेटा, हाँ जी। फिफ्थ फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स, देखो जरा ध्यान से, ई इज अ कॉन्स्टेंट, एक्स इज अ वेरिएबल, पर आगे जरा मैं इसका जनरलाइज फॉर्मूला बताऊं, ए पावर एक्स वाई डैश, मेरे पास ए पावर एक्स लॉग ए, ये जो ई पावर एक्स का फॉर्मूला है ना वो इसी से बना है। कैसे, अगर मैं लिखती ई पावर एक्स इंटू लॉग ई, मैंने आपको बताया हुआ है लॉग ई क्या होता है, वन होता है बेटा। ई एक एक्सपोनेंट फंक्शन है, जब हम आपको नेचुरल लॉग और स्टैंडर्ड लॉग्स की बात करते हैं तो हमारे पास ई यूज होता है। ई की जो वैल्यू है ना वो 2 समथिंग होती है। ये जितनी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस है आगे ना आपको, पहले तो होता था, अब का मुझे पता नहीं है, एक लॉग टेबल आता था, लॉग टेबल में हम जितने भी आप कैलकुलेशन, जैसे आपके मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनकी वैल्यूज होती है 0.02341011, वो सारा यूज करने के लिए हम क्या करते थे, लॉग और ई। ई जो है ना वो लॉग का एक तरह का एंटी लॉग है। कैसे, मतलब एंटी लॉग का मतलब, मान लीजिए
आपने मेरे पास जो है इधर लिखा log x इज इक्वल टू y, ये जो y है ना उधर जाता है, तो ये पता क्या बन जाता है, e बन जाता है log जब उधर y की तरफ जाता है, e की पावर में आता है। e और log आपस में कट जाते हैं, ये सारे प्लस टू में कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, इज इट क्लियर। वो आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ते थे तो हम इतना बताते नहीं थे, और हमारे टाइम पे ना ये लॉग और ई का चैप्टर नाइन्थ क्लास में था, हम बुक्स में पीछे टेबल बना होता था तो वही कैलकुलेट, बट अब आई थिंक केमिस्ट्री में भी आपको वैल्यूज दी होती हैं, आप करते नहीं हो, रीजन साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ गए, हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा साइंटिफिक कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करते हैं वो आंसर दे देता है, तो बात तो सही है, व्हाई वी स्टडी देन, कोई जरूरत नहीं है, तो एक जस्ट कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है ना, अदरवाइज तो कहीं नहीं होता। एक्सपोनेंट फंक्शन जो है, इज एक्सपोनेंट फंक्शन, जो ए की पावर बी आप एक्सपोनेंट फंक्शंस कहते हो, ये एक स्टैंडर्ड एक्सपोनेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू ई की वैल्यू 2 point something कुछ होती है। ओके जी, हाँ जी बेटा, जब हम एक्सपोनेंट को यूज करते हैं ना, जैसे मैं कहती हूँ 2 power 3 8 है ना, तो log 8 टू द बेस 3, ये 3, इस एक्सपोनेंट को हम log में कन्वर्ट करते हैं और कुछ नहीं, जस्ट टू मेक माई कैलकुलेट, ये तो इजी सा एग्जाम्पल दिया मैंने, तो जब कैलकुलेशन होती है जैसे ऐसे 1.785 सो ऑन आगे पावर 3, तो log से वो कैलकुलेशन इजी हो जाती है और कुछ भी। ओके, समझ आया, फंक्शन है एक log हमारा, ठीक है। चलिए, तो मैं ये बता रही थी e पावर x है, तो यहाँ पर e पावर x, तो e पावर x log e, log e 1 होता है, तो अपने आप वो e पावर x आंसर है, ये फॉर्मूला इसी से ड्राइव किया गया, यहाँ तो a कैन टेक एनी वैल्यू ना, बट यहाँ तो e ही रहना है। अब बात समझ आई, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम करते हैं। अच्छा, डिफरेंस देखो सब में, ये है a पावर x, ये था x पावर n, एक मैंने बताया था a पावर b, सबको ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या डिफरेंस है, इसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट की पावर कौन, तो देखो सबके डेरिवेटिव अलग है, यहां इसका डेरिवेटिव a पावर x log a है, इसका डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस, इसका जीरो। देखो नॉर्मली बच्चे यही करते हैं, वहां हम जब डालते हैं ना 2 power 3, दे राइट 3 2 की पावर 2, वो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, या मैं लिखू 2 की पावर x, और वो क्या लगाते हैं x 2 की पावर x-1, वो गलत है, दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटा। अब ये इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका आंसर 2 power x log 2, नो नो, वैसे 1.41 सब कुछ होती है, ठीक है, आप यहाँ पर, हाँ जी पुलकित बेटा पता चल गया आपको, ठीक है, हाँ हाँ log 2 ही, log जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, log 2 तो ऑलरेडी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो उसको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, समझ आई बेटा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव करते हैं, लेट अस डू द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो हमने ड्राइव भी किए हुए हैं, आप ड्राइव कर सकते हो, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, लिमिट की हेल्प से, ठीक है। 7, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये तो फिजिक्स में आपको रटा ही हुआ है ना, कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज, वेरी गुड, माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, जो है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस भी लगेगा साथ, ओके जी। Now, और किसका रह गया, साइन कॉस टेन, ओके, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, जो हो गए सीकेंट एक्स टेन एक्स,
डेरिवेटिव ऑफ मेरे पास टू गए कोसिकेंट एक्स दैट इज माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। मैंने पता कैसे याद रखे हुए हैं, एक सिंपल सी नॉर्मली बड़े बुजुर्ग बोलते हैं है ना, जो हमारे घर में एल्डर्स होते हैं, कोल वाले ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, जो आपके नियर बाय होता है ना वही प्रॉब्लम क्रिएट। प्रॉब्लम कैसे, आपके घर में कोई फंक्शन है ना, फंक्शन है तो आपने बुलाया अपनी तरफ से, कोई मिस्टेक हो गई आपसे, तो वही बोलते हैं अच्छा मैंने चौजना नहीं बुलाया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। मीन्स जो कोल, पंजाबी से को रिलेट करो कोल, तो जितने भी सी वाले होंगे ना उनके आगे माइनस। मैंने ऐसे लर्न किया, को वाले हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, को मैंने पंजाबी में कोल से को रिलेट कर दिया। आप भी अपनी चीजें ही ऐसे बनाया करो टू रिमेम्बर द थिंग्स। तो मैं हमेशा, मैंने पहले वो नहीं लगाया था, जानबूझ के नहीं लगाया था कि आपको बताऊं, फिर मैंने कहा फॉर्मूला गलत ना नोट कर दे, तो दे मस्ट राइट नेगेटिव साइन। यहाँ पर भी देखो कोसेकेंट है, आंसर में नेगेटिव आया, नहीं कॉट एक्स डब्ल्यू कहाँ से आ गया पुत्र, कॉट 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 एक्स। ओके जी, क्लियर होगी ये बात, ठीक है जी। तो ये डेरिवेटिव्स और कोई भी यूज होगा तो डेफिनेटली आई विल टेल यू। अब मेरे पास जो है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे जो आगे यूज होने, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी वाई है, टू आगे लगा है, कोई कांस्टेंट लगा है, साथ में कोई फंक्शन है, मींस लाइक दिस के एफ ऑफ एक्स, तो घबराना नहीं, के को बाहर लिख दो, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। सी हियर टू क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस तो नहीं हो रहा, माइनस तो नहीं हो रहा, प्लस माइनस होता तो टू का डेरिवेटिव जीरो आता, क्योंकि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में वो आपका साथ दे रहा है तो आप जीरो नहीं कर सकते उसको। हाँ जी बिल्कुल जी, इसका डेरिवेटिव टू कॉस एक्स, बस ये मैंने लगाया कॉन्सेप्ट ही, ठीक है। अब कोई फंक्शन मेरे पास दो फंक्शंस का प्लस माइनस है, ओके, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस जो भी है अलग अलग डेरिवेटिव कर दो बस, ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको समझ आ गई, श्योर, साथ साथ करना अब ये डेरिवेटिव। चलो बेटा आगे, अब यहां से हम दो रूल्स पढ़ेंगे, देखो ना तो प्लस में प्रॉब्लम ना माइनस में, प्रॉब्लम कहां है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी अगर, अब मैं आपको बताने लगी हूं प्रोडक्ट रूल, जिसको कई बुक्स में ना यूवी रूल भी कह देते हैं। यूवी रूल का मतलब यू इज द फर्स्ट फंक्शन, वी इज द सेकेंड वन। अभी आप डेरिवेटिव कर रहे हो ना तो डजंट मैटर, आप जिसको मर्जी फर्स्ट ले लो, जिसको मर्जी सेकेंड ले लो, है ना। डेरिवेटिव डिवर्टेड से मैंने याद किया हुआ है, डिवर्ट करना कि दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो यहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट फंक्शन जिसको मर्जी ले लो, सेकेंड फंक्शन जिसको मर्जी ले लो। आपके पास दो फंक्शन है यू वी, दोनों एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स पे, तो मैंने अगर इनका डेरिवेटिव लेना है तो मैं प्रोडक्ट रूल लगाती हूं। वो रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एग्जाम्पल करें कोई, है ना, कैसे कैसे पता चला, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, साथ में नो 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 एक्स के, ओके, मैं क्या करूंगी यहां पर, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ फर्स्ट सेकेंड, कोई बच्चा इसको फर्स्ट इसको सेकेंड ले लेगा, डजंट मैटर, मैं कह रही हूं डजंट मैटर, ठीक है जी। वाई डैश फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होता है 2x, सबको पता चला कैसे आया 100%,
हाँ जी, तो टू एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज, बस आगे जितना सिंप्लीफाई होता है कर दो। सिंप्लीफाई क्या होगा, एक्स कॉमन है ले लो, टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, इसको आगे तो मैं सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकती। ओके क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? असीस समझ आया बेटा? पुलकित श्योर? काव्या? चलिए एक क्वेश्चन दूं आपको, चलो करो। करना जरा इसको, माइनस है यहां, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, यहां सिंपल। क्यों लगाना, यही तो आदत सिखानी है आगे बड़ी क्लासेस में, प्लस टू में, मतलब फिर आप घूमते रह जाओगे, इतना तो काम आ गए होता है मैथ्स में, सीखना है ना हमने ये चीज। आप लगा भी लोगे प्रोडक्ट रूल, नो डाउट, बिल्कुल श्रेया ने ठीक कहा कि सेवन का कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, टाइम स्पेयर नहीं होता मैथ्स के पेपर, ठीक है ना। चले अब करें एक और। अगर मैं यहां पर एक्स माइनस टू लगा, करो जरा, सारे करेंगे, पुलकित डू इट बेटा, जल्दी जल्दी, शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई टू डू इट, चेक करो। चेक कर लो आपका आंसर मेरे साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, चेक इट, चेक योर आंसर। ये हो सकता है कि कोई बच्चा सेवन बिल्कुल बाहर लेके सिर्फ इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा दे, वो भी ठीक है, सेवन तो कांस्टेंट ही है ना, उसको आप साइड पे रहने से क्यों। कोई बच्चे ने सेवन इसके साथ एडजस्ट कर दिया, डजंट मैटर, प्रोडक्ट रूल समझ आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके चले आगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन ट्रू, लेट अस डू क्वेश्चन ट्रू। अभी सिर्फ रूल्स बता रही हूं, क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे ना, देन यू कम टू नो कि क्या कहां क्या लगाना है। अभी साथ साथ क्वेश्चंस कराऊंगी ना बहुत ज्यादा, तो बाद में आपको पता ही नहीं चलता कि मिक्सिंग में ऑप्ट कौन सा करना, दैट्स व्हाई अभी सिर्फ बेसिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल का मतलब है फंक्शन मेरे पास पता कैसे है, यू ओवर वी। क्वेश्चन मतलब डिविजन की बात होती है, जब वो न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में फंक्शन हो, देन वी कैन यूज दिस। अब उसके लिए मैंने पता कैसे याद रखा है, नीचे वाला नीचे ही का ही स्क्वायर, ओके, नीचे वाला नीचे एज इट इज यहां पर, ओके, डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वी, बस। लर्न करना आप पे मेथड है, आप पे डिपेंड है, सॉरी आपका अपना मेथड है, मैंने अपने जैसे मुझे याद होता है मैंने वैसे किया हुआ है, आपने जैसे याद करना है वैसे याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैंने कैसे बताया आपने लर्न कैसे किया, बट फॉर्मूला कई बच्चे स्टार्ट ऐसे करते हैं, वी यू डैश माइनस यू वी डैश ओवर वी स्क्वायर, वो सिंपली लर्न कर लेते हैं। मैंने हमेशा मैं ऐसे ही कहती हूँ, नीचे वाला नीचे का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, जब नीचे वाला आ गया तो पता ऊपर वाले का डेरिवेटिव और बीच में माइनस, फिर यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव, ओके जी क्लियर, बात समझ आ गई बेटा। क्वेश्चन करें कोई? चलिए लेट अस डू वन क्वेश्चन,
y इज इक्वल टू मेरे पास हो गए साइन एक्स ओवर लॉग एक्स, साइन एक्स ओवर लॉग एक्स। क्या करें, डिनोमिनेटर टर्म का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, वेरी गुड। माइनस साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन बाय। आगे तो सिंप्लीफाई करना है, एक्स का एलसीएम ले लीजिए बेटा, ओवर एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर। ओके बेटा, अब कोई बच्चा ऐसे भी लिख दे यहां पर x की पावर माइनस वन, डजंट मैटर, वन बाय एक्स को मे बी यू कैन राइट एज x पावर माइनस वन, डजंट मैटर, आप पे डिपेंड है आंसर यहां पर कहां तक सिंप्लीफाई कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट, बस यही रूल्स थे हमारे पास, इसके बाद चेन रूल आता है वो प्लस टू का है, पर आपको यहीं पे करवाएंगे हम, ठीक है। पर पहले हम क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर क्वेश्चंस नहीं हुए तो चेन रूल आगे इम्प्लीमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है। लेट अस डू डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ डेरिवेटिव। देखिए एक्सरसाइज 13.2, यहां बहुत इजी दी हुई है, दे जस्ट राइट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एट एक्स इज इक्वल टू 10। हां जी बेटा, क्या करें, डेरिवेटिव लेने हैं, फाइंड द डेरिवेटिव, यानी पहला काम है डेरिवेटिव लेना। अगर आप पहले पुट कर दोगे वो तो कॉन्स्टेंट बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा, जीरो। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू बता। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक रॉकेट गया, आपको याद होगा हमारे कल्पना चावला जब वो स्पेस से नीचे आ रही थी ना, तो न्यूज़पेपर में आया था इतने सेकंड में उसकी इतनी स्पीड हो गई थी इसीलिए वो क्रैश कर गया हमारा। हाउ दे कैलकुलेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि वो एक सेकंड में कितना चेंज हुआ उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, वहां से उन्होंने सब कुछ बता दिया। और आप क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हो एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग, जैसे हम कहते हैं ना डी एक्स बाई डी टी, वो क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी, जो आप दोनों में स्केलर और वेक्टर का ही डिफरेंस है ना, है ना। ऐसे ही डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्सेलरेशन कहते हो ना, तो वो सारा ये मैथ्स फिजिक्स के साथ को रिलेट है। ये जितना आप कर रहे हो ना रिसर्च वर्क का बेस, बेस मतलब चाहे वो 0.00001 है बट बेस स्टार्ट हो जाता है। और नॉट इवन इन रिसर्च जो है स्पेस के रिसर्च वर्क से, कल को जब हम आपको ना ये डाइटिशियंस बनते हैं, कोई भी डाइटिशियन है या कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी फूड आइटम को बनाता है, मान लीजिए आपने शेफ का कोर्स कर लिया है ना, उसके बाद शेफ कोर्स करने के बाद आपको लगता है कि आप किसी चॉकलेट कंपनी में गए, उन्होंने कोई चॉकलेट बनाई है ना, तो वो चॉकलेट में कितने क्या चीज है वो सारी टेस्ट होती है। हम टेस्ट अप्लाई करते थे, वो टेस्ट कैसे अप्लाई करते थे, वो सारा स्टैटिस्टिक का पार्ट है और उसमें ये सारी चीजें यूज होती। ओके, तो समवट मैथ्स इज कोरिलेटेड विद ईच एंड एवरीथिंग। आप अकेला सोशल में देख लो, वेदर फोरकास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ SST, वेदर का सारा SST में पढ़ते हो, तो सारा रिसर्च वर्क भी हमारे मैथ्स के साथ, सारी स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी और भी बहुत सारी चीजें जो टेस्टिंग होती हैं, वो स्टैट्स पर बेस्ड है। सिर्फ इंजीनियरिंग एक लाइन नहीं है, जो बच्चा MSc स्टैटिस्टिक कर लेता है ना वो रिसर्च वर्क में कहीं पे भी जा सकते, प्रोवाइडेड की PhD आ गई वो करे उसमें। एग्रीकल्चर में जितनी रिसर्च वर्क है वो MSc स्टैटिस्टिक के साथ ही बेस्ड होती है। ओके, चलो हम वापस आते हैं। तो मैंने डेरिवेटिव किया 2x, अब
माइनस जीरो लिखने की जरूरत है, लिख दिया जी हमने, ठीक है जी। अब डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 10, 2 × 10 20, ओके बेटा, क्लियर, बात समझ आ गई, चलो।